निगाह है कल लोकसभा में पेश होने वाले सरकार के बजट पर टिकी है। बजट कैसा होगा? बजट आम आदमी को खुश करने वाला होगा, माना तो यही जा रहा है, क्योंकि चुनाव सिर पर है और ऐसे में सरकार बजट के जरिए वोटरों को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रूपये तक होगी, क्योंकि सवाल यह भी है कि आरक्षण के लिए 8 लाख रूपये वाला गरीब है तो टैक्स के लिए 2.5 लाख रूपये से ज्यादा कमाने वाला इंसान अमीर कैसे होगा। आइए आपको दिखाते हैं इस मुद्दे पर क्या कुछ कहती है देश की संसद। तो कल बजट पेश होने वाला है और इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार ये बजट कैसा होगा, किसको राहत मिल सकती है, क्या इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। हालांकि सरकार के पास बाध्यताएं हैं, बाध्यताएं इसलिए हैं क्योंकि ये फुल फ्लेज बजट नहीं होगा, अंतरिम बजट होगा। और अब सवाल ये उठता है कि अंतरिम बजट में आखिरकार सरकार घोषणाएं क्या करने वाली है। हालांकि सरकार ने संकेत इस बात के दे दिए हैं कि घोषणाएं कुछ लोक लुभावन हो सकती हैं। पीयूष गोयल ने एक पत्र बाकायदा जारी किया है जो कि वित्त मंत्रालय का प्रभार फिलहाल उनके पास है। उन्होंने बाकायदा एक पत्र जारी कर कहा है कि इससे पहले भी अंतरिम बजट पेश हुए हैं और उस अंतरिम बजट में टैक्स सुधारों को लेकर कई बड़े ऐलान पहले हो चुके हैं, यानी यह तय है कि कुछ बड़े ऐलान कल हो सकते हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। जो मेहमान हमारे पास जुड़ चुके हैं, विनीत गोयनका साहब है, बीजेपी के नेता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, साथ ही सोमेन बाची हैं जो कि आईपी ग्लोबल से हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, रचित चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फाइनेंस एंड बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले विनीत गोयनका साहब, मैं आपके पास आता हूं। एक पीयूष गोयल ने पत्र जारी किया है और उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है टर्मवाइज इस बात का जिक्र किया गया है कि इससे पहले भी जो अंतरिम बजट पेश हुए हैं उन अंतरिम बजट में टैक्स सुधारों को लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं, यानी मान लिया जाए कल बड़े ऐलान होंगे, जो बजट होगा वो वोट बटोरने का बजट होगा। देखिए, बजट तो बजट होता है, वो अंतरिम हो या फुल बजट हो, पर कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि भाई इलेक्शन के पहले वाले दिन पहले जो होता है उसमें बजट जो होगा इंटरिम ही होगा, फुल फ्लेजेस नहीं होगा। तो इंटर बजट तो होगा, बजट जो होता है उसके ऊपर आंकड़े होते हैं और आंकड़े के कारण बजट बनता है। और मुझे लगता है कि उसके अंदर जरूरत होगा तो टैक्स बढ़ाया जाएगा, अगर ऐसा जरूरत महसूस होगा कि भाई टैक्स कम किया जाए तो कम होगा। एक आपको मैं बात बता दूं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में करीब करीब 72% लोगों ने ज्यादा टैक्स भरा है, 72% ऑफ द इनकम टैक्स पेयर्स आर इंक्रीज, और उसके कारण कई सारा इनकम टैक्स जो है ज्यादा जमा होने के कारण हो सकता है कि कुछ राहत हो जाए। मुझे भी सिर्फ उम्मीद है क्योंकि मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि आमतौर पर ऐसा होता आया है कि अंतरिम बजट में बहुत ज्यादा बड़े ऐलान होते नहीं है, 2 महीनों तक के का हिसाब किताब होता है, क्या कुछ कैसे खर्च चलेगा ये बात सरकार लेकर सामने आती है, क्योंकि फाइनल बजट तो फिर मानसून सेशन में आएगा। तो ऐसे में अब इस पत्र को जो जारी किया गया है, विनीत गोयनका जी, जो पत्र आज जारी किया गया है, इस पत्र के तो जारी करने का मतलब है कि भूमिका बना ली गई है कल बड़े ऐलान होंगे। नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मुझे कम जानकारी हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है इंटरिम बजट या फुल बजट देने का अधिकार जो है सरकार को होता है। अब ये नहीं, जो परंपरा पिछले कई टर्म से परंपरा होगी, लेकिन प्रोविजन जो है, जो प्रावधान है, वो प्रावधान ऐसा कि बजट आ सकता है और बजट का मतलब बजट है। बजट के अंदर तो आप कहीं पर बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। अगर ये उचित माना गया कि भाई कम हो तो कम भी हो जाएगा, हो सकता है कि कहीं पर कम हो कहीं पर ज्यादा हो, वो तो उस पेपर में लिखा हुआ जो पेपर आज बन चुका होगा और कल हमारे सबके सामने आएगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो ये है कि भाई 72% ज्यादा लोगों ने टैक्स भरा है, इसका मतलब अच्छी तरह से जो है ब्रैकेट जो है बढ़ गया है, जो टैक्स पेयर्स का जो टोटल बकेट होता है वो बकेट बढ़ गया है, उस बकेट के कारण शायद कुछ राहत हम लोगों को मिल सकती है। तो वोट बटोरने वाला बजट होगा ना, मेरा सवाल ये था, क्योंकि अब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी जी की सरकार जो बड़ी रिस्पॉन्सिबल रही है। जब हमने डिमोनेटाइजेशन लाया था, जब हमने जीएसटी लाया था, तो हमको पता था कि ये फर्म स्टेप्स है, ये जो स्टेप्स है बहुत मजबूती के स्टेप है, हो सकता है कि इसके कारण कुछ लोगों को हम इसके साथ परेशानी होगी। हमने इसलिए कहा था कि राष्ट्र की व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था वो अच्छी हो। आपने ये भी देखा कि दुनिया में आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज्यादा बड़ी स्पीड में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उसका कारण एक है कि हमने आज जो पैरल इकोनॉमी था उसको माइग्रेट करके ट्रू इकोनॉमी के ऊपर ला दिया, द कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका श्रेय हमको मिलना चाहिए। अच्छा विनीत जी, आपने आंकड़ा दिया, टैक्स पेयर्स बढ़े हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, हम देश की पूरी दुनिया की छठी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था हो गई, तीसरी अर्थव्यवस्था हो गई जो आपने आंकड़ा दिया। तो टैक्स पेयर्स जिनके दम पर आप ये बात कह रहे हैं उनको कल लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जब गरीब जो है जनरल कैटेगरी है उनको आरक्षण के लिए हम जो सीमा लेकर आए, जो उसमें क्राइटेरिया जो तय किया गया है 8 लाख तक, उसमें क्राइटेरिया जो तय किया गया है, तो 8 लाख तक तो अब सवाल यह उठ रहा है कि 8 लाख तक वाले अगर गरीब है तो क्यों उनसे टैक्स ही क्यों लिया जाए। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल का कि आपने बहुत ही मूलभूत प्रश्न पूछा, कई चैनल ये सारी बातें पूछते नहीं है, दो अलग अलग बात है।
क्या 3 से 4 लाख रुपए के अंदर पेट भर सकता है, तो मेरा जवाब रहेगा कि हाँ 3 से 4 लाख रुपए के अंदर पेट भर सकता है। एक बात है कि इनकम टैक्स इंडिविजुअल पे होता है और 8 लाख की जो सीमा है वो परिवार के ऊपर है, यानी 2 परिवार के लोग अगर नौकरी कर रहे हैं उनको शायद हो सकता है कि इनकम टैक्स के कारण 5-5 लाख के कारण 10 लाख की छूट मिल सकती होगी, लेकिन अगर परिवार का इनकम 8 लाख रुपए क्योंकि एकेडमिक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी पैनलिस्ट ने भी बहुत मुझे सहयोग किया अभी तक, तो अभी ऐसे नहीं, दो अलग अलग बात है। एक है कि आज के आपके इनकम के ऊपर, आपके आमदनी के ऊपर जितना टैक्स लगा के देश चलाना, और दूसरी बात है कि देश को 20 साल 25 साल 50 साल तक कैसे चलाना। मैं उम्मीद करता था कि अगर 20 साल पहले 25 साल पहले इंदिरा जी या राजीव जी ने अगर इस तरह के प्रावधान आए थे जिसके कारण जनरल कैटेगरी मतलब केवल हिंदू जनरल कैटेगरी है, तो क्रिश्चियन भाई भी और मुस्लिम भाई भी, इनको पढ़ाई में रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन केवल नौकरी में नहीं है, तो रिजर्वेशन पढ़ाई में भी है। अगर अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो आपके अच्छी नौकरी फंडामेंटल चेंज है, देश के तकदीर को बदला है 10% रिजर्वेशन देके। हमारे जैसे आप लोग, कई लोग जो सामान्य घर से आए हैं उनको पढ़ाई में जो दिक्कत आई है वो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले समय थोड़ा सा कम है, तो ये मुझे जोड़े नहीं मिलेगा, अलग अलग बात है, एक देश बनाने की बात है, दूसरी जगह पे देश चलाने की बात है। देश बनाने के लिए रिजर्वेशन देना जरूरी था और देश चलाने के लिए राजस्व लाने की जरूरत है। तो ठीक है, वहीं से सवाल उठाने के, जब 8 लाख वाला आपके हिसाब से गरीब आदमी है तो उस गरीब आदमी से इनकम टैक्स क्यों लिया जाए? अब वो तो कल पता चलेगा कि लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, मुझे तो पता नहीं अभी तक। नहीं, आप जो आंकड़े हम दे रहे हैं कि टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है, सरकार ने भी कहा है, राष्ट्रपति का अभिभाषण में भी बात सामने आई कि टैक्स पेयर्स की तादाद करीब दोगुनी हो गई है पहले से, तो ऐसे में उन टैक्स पेयर्स को जो ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं उन्हें छूट मिलनी चाहिए, दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। और आप पहले मान चुके हैं कि 8 लाख की जो कमाई है वो गरीब, अगर वहां तक है तो वो गरीब माना जाएगा, तो गरीब आखिरकार इस देश में टैक्स क्यों दे? मैं आप ही के जैसे मेट्रो में ट्रेवल करता हूं, आपके और मेरे दोनों की उम्मीद है कि भाई टैक्स कम से कम लगाया जाए, जैसे आपके मन में है ये मेरे मन में भी है सामान्य करता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं कहता कि जो भी सरकार निर्णय लेगी वो मेरे से राखों पे है। नहीं, सिर्फ आपकी हमारी बात नहीं है, उन 6-7 करोड़ लोगों की बातचीत है विनीत गोयनका जी, जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, जो ये कहा जा रहा है कि करीब दोगुनी तादाद हो गई है पहले से जब नोटबंदी आई, जीएसटी आए, इसी के कारण जो है क्योंकि ब्रैकेट जब भरता है, अगर आपने देखा गत 4 साल के अंदर भारत के जितने भी करदाता है, भारत के जितने भी नागरिक है, उनके अंदर जो ईमानदारी का प्रमाण लगता है, मुझे बड़ा खुशी होती है, जब मैं विदेश में भी गया था, चाइना गया था, तो मैंने जब सुना कि भाई हिंदुस्तान का टैक्स पेयर का नंबर बढ़ा, तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इसका दो फायदा होता है, एक देश में नस्ल में ईमानदारी है, दूसरी बात है कि राजस्व बढ़ा है, और जब राजस्व बढ़ता है तो या तो विकास होता है या फिर थोड़ी बहुत राहत मिलती है, दोनों बात भी होगी, विकास भी होगा और राहत भी मिलेगी। मुझे लगता है कि कल का दिन बड़ा अच्छा रहेगा भारत के पूरे इतिहास के अंदर का, मतलब फुल ऑन लोक लुभावन वादे और चुनाव को ध्यान में रखकर बजट होगा। नहीं, सोचा समझा होगा, 10 साल के मनमोहन सिंह जी के बजट जैसा नहीं होगा कि जिसके कारण देश खोखला हुआ, मुझे लगता है कि बड़े ही सोचे समझे बजट, 4 बजट हमने पहले दिए हैं, हमें पता था कि कई बार हमने कड़े कदम उठाने से कुछ दुविधा भी हुई, कुछ कठिनाई भी हुई, लेकिन अगर देश हित में आपको कदम उठाने पड़ते तो लेने पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि नागरिक भी समझ पाते, और अगर कल कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिला तो उसको कोई पॉलिटिकल रिलीफ या उसको इलेक्शन रिलेटेड रिलीफ ऐसा ना सोचा जाए, ये सोचा जाए कि जो हमने पेड़ लगाया, बिकॉज कांग्रेस के जैसे हमारी सोच नहीं है, हमने सोचा था कि देश के बारे में सोचेगा, अगर हम अगर सोच आपकी ऐसा है, आम चुनाव पहले आती है, 1-2 महीने पहले आती है, सोचिए 2018 में राज्यों के चुनाव आने वाले, ये आपको भी पता था, मुझे भी पता था, और निर्णय लेने वाले लोगों को भी पता था, अगर हम लोक लोभान देना चाहते तो पिछले साल भी दे सकते थे, जिस तरह से कांग्रेस ने सोचा था कि भाई देश का जो भी हो जाए, बटाडार हो, लेकिन हम तो जीतते रहेंगे, हमारा परिवार जो राज करता रहेगा, ये हम भी सोच सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं सोचा, हमने कहा कि भाई पिछले बार कि कर आना चाहिए, साथ राजस्व आना चाहिए, ताकि जो भी बढ़ोतरी काम हो रहा है, जो भी विकास का काम हो रहा है, वो काम रुकना नहीं चाहिए। और आपने देखा कि भाई 1,12,000 किलोमीटर रोड, 6 करोड़ 20 लाख महिलाओं को गैस का कनेक्शन, 150 साल बाद में पहला इंटरनल वाटर वेस्ट, चलिए ये होती रहती है। चलिए विनीत जी, मैं आपके पास आता हूं, रचित हमारे साथ हैं और सौमेन बागची साहब भी हैं, और रचित आपके पास मैं आता हूं, एक लोगों की धारणा ये भी होती है कि बजट में आएगा तो क्या कुछ उन्हें आगे राहत मिलने वाली है, जो होम लोन वो पे कर रहे हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, सरकार के पास दायरा चूंकि काफी कम होता है, एंट्रीम बजट है, 2-3 महीनों के लिए ये बजट होता है, फिर तो मानसून सेशन में, फिर उसके बाद फुल फ्लेज बजट आएगा, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कल के बजट में क्या होने वाला है? सर देखिए, ये है तो वोट ऑन अकाउंट बजट, बट दिमाग कह रहे वोट ऑन अकाउंट है, बड़े परिवर्तन नहीं होंगे, बट दिल कह रहे बिकॉज दिस इज अ बीजेपी गवर्नमेंट एंड ये लोग उन्होंने बड़े कड़क अच्छे स्टेप्स उठाए हैं पास्ट में भी, तो कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा हाउसिंग सेक्टर के लिए, इसीलिए बिकॉज अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इसमें, 2016 के अंदर डिमोनिटाइजेशन, फिर 2017 के अंदर जीएसटी, रेरा कंप्लायंस, 2018 के अंदर अभी रियल एस्टेट उठ ही रहा था कि INFS क्राइसिस हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा पब्लिक
पब्लिक के लिए जरूर लेकर आएंगे और उन्हें लाना भी चाहिए बिकॉज रियल एस्टेट बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की और हाउसिंग फॉर ऑल टिल 2022 ये भी कहा था प्रधानमंत्री जी ने। तो सारी चीजों की अगर अलाइनमेंट हम सोचे तो मुझे उम्मीद है कि कल कुछ ना कुछ अच्छे परिवर्तन और अच्छी न्यूज आम जनता के लिए जरूर आनी चाहिए। वो न्यूज क्या हो सकती है आपके हिसाब से? थ्रेशोल्ड लिमिट जो 2 लाख रुपए की है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे बढ़ाया जा सकता है। मे बी एनबीएफसी को अलाउ किया जा सकता है कि लिक्विडिटी अपनी वो बढ़ाए डिबेंचर्स को रेस करने से और उनका डीआरआर जो 25% का थ्रेशोल्ड है वो कम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को खर्चा ही करना है, गवर्नमेंट बहुत क्रिएटिव तरीके से अच्छी पॉलिसीज ला सकती है जिसके फ्रेमवर्क में विन विन सिचुएशन सबके लिए हो, पब्लिक के लिए भी, एनबीएफसी के लिए भी, हाउसिंग के लिए भी। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, 50% फंडिंग एनबीएफसी ने हाउसिंग सेक्टर में करी है 2018 में पिछले साल। इसका मतलब है कि एनबीएफसी रियल एस्टेट बहुत कनेक्टेड है आपस में। अगर एनबीएफसी को लिक्विडिटी नहीं मिली तो हाउसिंग को प्रमोशन मिल ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट को दोनों के लिए साइमल्टेनियसली सोचना होगा, तभी 2022 का जो उनका प्रॉमिस है वो कामयाब रह पाएंगे। चलिए आपके पास मैं आता हूं, सोमेन बाकी साहब भी हैं जो कि अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो स्कीम्स हैं सरकार की उससे भी जुड़े हुए, स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए हैं। बाकी साहब, जब सरकार आई, मोदी सरकार आई, तो बड़े जोर शोर से बात हुई, एक पूरी लिस्ट निकाल दी गई कि हिन्दुस्तान के इतने शहर स्मार्ट हो जाएंगे। आज की डेट में कोई स्मार्ट सिटी तो जिस तरीके से बखान किया गया था वैसे दिखता नहीं है। कल के बजट में इनको लेकर चर्चा होगी, आपको क्या लगता है कि सरकार इस बारे में आगे क्या कुछ ऐलान कर सकती है? देखिए, स्मार्ट सिटी में क्या हुआ है ये डिपेंड करता है स्मार्ट सिटी के डेफिनेशन पर कि हम स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं, स्मार्ट सिटी से क्या समझते हैं। अगर हमने ये उम्मीद किया था जब मोदी जी ने 4-5 साल पहले अनाउंस किया था कि हम अपने हर शहर को लंदन या पेरिस बना देंगे, तो ये हमारी गलती थी, ये मोदी जी की गलती नहीं थी। जो हम उम्मीद किए थे कि स्मार्ट शहरों के तहत हम सारे लोगों को पानी का बंदोबस्त करवा देंगे, कॉन्टिन्यूअस बिजली का बंदोबस्त करवा देंगे, हम कोशिश करेंगे कि शहर के रास्ते बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, और कुछ कुछ जगहों में हमें साइकिलिंग की फैसिलिटी भी मिल जाए, और इस एरिया में ओवरनाइट हम कभी भी, जब हमने स्मार्ट सिटी के बारे में कहा, हमने कहा देयर हैज टू बी इंटीग्रेटेड सोल्यूशन, देयर हैज टू बी इंटीग्रेटेड सोल्यूशन टू वाटर सप्लाई एंड सीवरेज, देयर हैज टू बी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी फैसिलिटेटेड। और ये कोशिश की तरफ हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। रिजल्ट्स, आउटकम बहुत धीरे धीरे हमें देखने को मिला है। सिर्फ एक्सपेंडिचर का अमाउंट should not be considered as the sole indicator of performance of the smart cities mission or for that matter the amrut mission. It has gone a long way, people have started feeling, we have seen ki kai shaharon ko dekhne mein kafi sundar lag raha hai, pani ka jo killat logon ko face karna hota tha usse hame kafi behtar sarkar ne provide kiya hai। चलिए समय बाकी सब, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। विनीत गोयनका जी हमारे साथ बने हुए हैं, रचित भी हमारे साथ हैं, और अब आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सीधे आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे विनीत गोयनका जी से, जो मैंने सवाल पूछा था, कुछ सवाल को मैं आपके पास भी लेकर आता हूं। पीयूष गोयल ने बाकायदा एक पत्र जारी किया है और इस बात का पत्र में जिक्र किया गया है कि पहले भी अंतरिम बजट जो पेश हुए हैं उसमें कई बड़े ऐलान हो चुके हैं, टैक्स सुधार से संबंधित कुछ बड़े ऐलान हो चुके हैं, यानी यह संकेत तो मिल गया कि कल कुछ बड़ा ऐलान होगा बावजूद इसके कि यह अंतरिम बजट होने वाला है। लेकिन समझता हूं 4.5 वर्षों के बाद अगर आप अंतरिम बजट में बड़े ऐलान कर रहे हैं तो सरकार कितनी मजबूर है और सरकार ने अर्थव्यवस्था को किस हालात पर पहुंचा दिया है ये उससे समझ आ रहा है। अभी ऐलान क्या होंगे वो तो उसी समय पर पता चलेगा जिस समय पर इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट आएगा, तो मुझे लगता है अभी उसके ऊपर जो भी कयास लगेंगे उसको देखा जाएगा। बहुत इको आ रही है मेरे उसमें, बिल्कुल इको आ रही है। आलोक जी, मैं बोलता हूं कि इस प्रॉब्लम को ठीक भी किया जाए, लेकिन आपको लगता क्या है कि इस बजट में क्या बड़ा ऐलान हो सकता है, आपके हिसाब से क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? और जीएसटी की आप लोग लगातार आलोचना करते रहे हैं, बजट से एक दिन पहले सरकार ने जीएसटी का एक आंकड़ा दिया है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ है इस महीने। सर देखिए, मैं समझता हूं कि जीएसटी के आंकड़े कहीं ना कहीं जो अपेक्षा थी उससे कहीं ना कहीं कम रहे, और कम रहने के कारण ही
जो सिचुएशन है जिसके कारण फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जहां तक बात है कि बजट किस तरह का होगा, हम चाहते हैं कि चाहे 3 ही महीने सरकार के बचे हैं और चाहे 56 दिन के लिए ही बजट आएगा, लेकिन बजट में कम से कम इस तरह की चीजें हों जो किसानों के लिए कहीं ना कहीं राहत देने वाली हों। जीएसटी के ऊपर भी अगर बात करें तो किसानों से जुड़ी हुई तमाम चीजें जो हैं उसमें कैसे राहत मिल सके, एक एंगल वो नजर आता है। दूसरा, बजट में कुछ इस तरह के प्रावधान हो कि बेरोजगारी दर जो पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और कम से कम इकोनॉमिक सर्वे में देश हम उम्मीद करता है कि जीडीपी के जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और बेरोजगारी के जो आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, सही तथ्य और सही जानकारी इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमी की देश के सामने रखी जाएगी। जहां तक बात आती है कि कहां क्या होगा, कैसे होगा, आवंटन क्या होगा, किस मद को कितना पैसा मिलेगा, ये सरकार का फैसला है और कल जब आएगा तो उसके बाद ही हम टिप्पणी कर सकते हैं। जहां तक बात है, ठीक है, तमाम जो योजनाएं अभी तक रही उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि 4.5 वर्षों तक आपने जो जो बातें कही, नमामि गंगे का क्या हाल है, स्मार्ट सिटी के ऊपर अभी मैं किसी से सुन रहा था, मुझे लगता है 100 की घोषणा हुई थी, 200 स्मार्ट सिटी बन चुकी है देश में। स्मार्ट सिटी की परिभाषा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है, और अगर ऐसा है तो जरूर बता के जाए बीजेपी के प्रवक्ता कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी वेबसाइट पर स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन भी आपने दी है। मुझे लगता है जुमलों वाला नहीं होना चाहिए बजट, झूठ वाला नहीं होना चाहिए, सपनों वाला नहीं होना चाहिए, वास्तविकता से जुड़ा हुआ बजट हो कोई भी। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता, ठीक है, बड़े आलोक जी मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। विनीत जी एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद में सीधे जो आपको जो कुछ आलोक जी ने कहा है और ये कहा है कि जुमले वाला बजट नहीं होना चाहिए, 3 महीने के लिए सही, लेकिन बजट ऐसा हो जो देश के लोगों के लिए हो, इस पर हम आपका जवाब लेंगे। वक्त एक ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। तो 8 लाख तक की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछा जा रहा है और सबकी नजर बजट के ऊपर होगी। हाउस द बजट, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है, कल का दिन बजट का दिन है, हर किसी की निगाहें कल लोकसभा में पेश होने वाले सरकार के बजट पर टिकी हैं। बजट कैसा होगा? बजट आम आदमी को खुश करने वाला होगा, माना तो यही जा रहा है, क्योंकि चुनाव सिर पर है और ऐसे में सरकार बजट के जरिए वोटरों को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रूपये तक होगी, क्योंकि सवाल यह है कि आरक्षण के लिए 8 लाख रूपये वाला गरीब है तो टैक्स के लिए 2.5 लाख रूपये से ज्यादा कमाने वाला इंसान अमीर कैसे हुआ? आइए आपको दिखाते हैं इस मुद्दे पर क्या कहती है देश की संसद। सर, गरीबों को आर्थिक आरक्षण में जो लिमिट दी गई है वो 8 लाख रुपए तक दी गई है, आपको लगता है कि इनकम टैक्स की छूट की सीमा भी 8 लाख तक कर दी जाना चाहिए? हमने निश्चित तौर से जहाँ हम जगह हमने छूट दी, पहली बार किसी सरकार ने यह साहस किया कि 10% उन सामान्य वर्गों को लोग आरक्षण दिया, सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में रखती थी लेकिन करती नहीं थी, तो आज कहीं ना कहीं हमने हर तरफ दिया है। हम महसूस करते हैं कि हमारी सरकार जीएसटी ला करके जिस तरह से करों का सरलीकरण किया है और जिस तरीके से चीजों को देश में ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी है, तो हम कहीं ना कहीं छूट देंगे। सुब्रमण जी, गरीबों को जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है मोदी सरकार ने, उसमें 8 लाख रुपए तक की लिमिट हो चुकी है, आपको लगता है कि इनकम टैक्स की छूट की सीमा भी अब 8 लाख रुपए तक की जानी चाहिए? देखिए, वो आर्थिक विषय है, क्योंकि आज राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में भी कहा है कि करदाताओं की और रिटर्न जमा करने वालों की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हुई है, तो ये देश के नागरिकों को अपना दायित्व समझना चाहिए। लेकिन 8 लाख तक की जो पारिवारिक सीमा है वो व्यक्तिगत सीमा नहीं है, इनकम टैक्स व्यक्तिगत सीमा पर जमा होता है, परिवार की सीमा पर नहीं, ये पूरे परिवार की जो 8 लाख की इनकम है वो जोड़ के उन्होंने उसमें जो माना है। और मुझे लगता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए वहाँ जो उस स्तर का भी व्यक्ति है वो भी गरीब ही समझा जाना चाहिए और उसको भी शैक्षणिक और नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी और पिछले वर्ग को जब आरक्षण दिया गया 27%, उस समय पर इंदिरा सानी का केस सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय आया तब उसमें आर्थिक आधार की बात करी थी। आर्थिक आधार में चलते चलते ओबीसी का जो आर्थिक आधार हुआ वो 8 लाख तक का इनकम का हुआ है, जो 10% आरक्षण उच्च वर्ग के निर्धनों को हुआ है उसमें भी 8 लाख की सीमा रखी गई है। ये बात सही है कि ये बहुत कम है और इसका दायरा बढ़ना चाहिए और इससे बहुत ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलेगा,
लेकिन फिर भी अभी प्राथमिक दौर पर बहुत बड़ी संख्या में इसका लाभ लोग उठाएंगे। जो कल बजट आ रहा है और उसमें मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ इसका स्लैब बढ़ेगा। ये बेस नहीं बनता है, आज तक पुरानी सरकार ने ऐसा तो नहीं बनाया था, उनके जमाने में 6 लाख का था इसके लिए स्कीम लेयर का, तो क्या इन्होंने 6 लाख दिया था क्या? इन्होंने मांगने वालों में विचार करना चाहिए कि आपने गिरेमान झाँकना चाहिए कि आपके कार्यकाल में आपने नहीं दिया है, आप क्यों अपेक्षा करते हैं? ये बेकार की फजूल की बातें विपक्ष के लोग करते आ रहे हैं। कल बजट पेश होगा, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस देश की जनता? नहीं नहीं, अभी तक बजट अच्छा आया है, आगे भी अच्छे आएंगे, देश की प्रगति हो रही है, हर आदमी की आय बढ़े यही सरकार का लक्ष्य है, हर आदमी की समस्याएं हल हो, आर्थिक समस्याएं हल हो, और भाई पढ़ाई लिखाई की तो बात ही निराली। अभी तो स्किल डेवलपमेंट, स्किल एजुकेशन में इतने हम आगे चले गए कि अपने शहर रोजगार के लिए लोग आगे आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे अच्छा भी बेहतर कुछ न कुछ कल और होगा। हमारी सरकार ने अभी 4.5 वर्षों का अपने कार्यों का एक ऐसा शानदार दस्तावेज महामहिम राष्ट्रपति के आज अभिभाषण में प्रस्तुत किया है। यह अपने आप में इतना सकारात्मक सरकार मात्र 4.5 वर्षों में काम जो सामने आया है, आज देश गौरवान्वित है। निश्चित तौर से हमारी सरकार इन सब विषयों पर ध्यान देगी। 8 लाख की इनकम पर निश्चित तौर से इन सब विषयों पर हमारी सरकार ध्यान देगी। बजट कैसा रहेगा इसको लेकर उम्मीद है? बजट निश्चित तौर से पॉजिटिव रहेगा, ऐसा हम सब उम्मीद रखते हैं। मैं कह रहा था जब 8 लाख की उसमें की आरक्षण की है तो उसमें भी होने चाहिए सबका, उसको इनकम टैक्स के लोगों को भी फायदा मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा था राहत जितनी जनता को मिलेगी उतना ही सरकार की वफादारी रहेगी। भाई ये तो स्वाभाविक है, सरकार के ने ये रखा है, अब इनकम टैक्स पर क्या होगा देश की वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए, और इस पर सरकार विचार कर रही है गंभीरता से, उसमें जो भी उचित निर्णय होगा वो सरकार के सामने जनता को पेश करेगा, किसान के पक्ष में होगा और सबके पक्ष में होगा। क्या जो टैक्स स्लैब होनी चाहिए वो 8 लाख रुपए हो जानी चाहिए कल बजट में? देखिए हो जानी चाहिए तार्किक रूप से, लेकिन क्या होता है ये तो वित्त मंत्री जाने, बजट तक की प्रतीक्षा की। लेकिन आपको लगता है कि ये स्वाभाविक होना चाहिए कि अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए जो है वो गरीबी रेखा में माना गया है, तो भाई टैक्स में जो छूट है वो भी 8 लाख तक हो? ये बात तार्किक है, तार्किक है, लेकिन कई बार ये होता है कि तर्क कुछ होता है, वास्तविकता कुछ होती है। 8 लाख रुपए जो रिजर्वेशन का एक दायरा है उसमें जो ब्रैकेट है वो है 8 लाख रुपए का, कि 8 लाख रुपए तक के आदमी को रिजर्वेशन मिलेगा, तो इस बात की चर्चा तेज है कि क्या सर जो टैक्स स्लैब होगा, आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों की डिमांड यही कि 8 लाख रुपए टैक्स स्लैब हो जाना चाहिए, वो कल पता लगेगा। इसका लॉजिक ये है कि अगर आप 8 लाख तक के लोगों को गरीब मानते हैं तो फिर गरीबों को टैक्स रिलीफ मिलनी चाहिए। अब ये सब शासन को निर्णय लेना पड़ेगा कि किसको गरीबी की रेखा के ऊपर रखना है, नीचे रखना है, और 10% हमने रिजर्वेशन तो कर ही दिया है सबके लिए। अब मेजर थिंग है कि हम उनके लिए जॉब्स तो क्रिएट करें। आपने रिजर्वेशन कागज में करना तो बहुत अच्छी बात है, मगर देश में जॉब्स भी तो होनी चाहिए। अगर जॉब्स ही नहीं है तो ये सब आरक्षण लेके बेचारे लोग करेंगे क्या? आपको लगता है कि हाँ भाई टैक्स स्लैब जो है उसको बढ़ाना चाहिए सरकार को कल बजट? टैक्स स्लैब तो इन्हें के लिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारे जो टैक्स स्लैब है वैसे ही बहुत कम है, और रियली स्पीकिंग जो लोग हैंड टू माउथ हैं उनके लिए थोड़ी रिलीफ हो जाएगी डे टू डे अगर जबरदस्ती जो टैक्स दे रहे हैं इस पर। कि वो किस रीजनिंग से या किस एक्सरसाइज उसके पीछे गई है कि जिसकी वजह से उन्होंने 8 लाख का कैप किया है, वो अभी तक आपको देखा है कि बाहर आया नहीं है। वो जो ट्रांसपेरेंट रीजनिंग होना चाहिए, जिसके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो नहीं आया है। और हर स्टेट को तो दे दिया है कि आप अपने आप करो, तो हर स्टेट का भी अलग अलग है, तो ये इट विल बी रिक्वायरिंग सम अदर एक्सरसाइज ऑफ थॉट प्रोवोकिंग। आपको लगता है कल जो बजट पेश किया जाए उसमें टैक्स का जो है वो 8 लाख रुपए होना चाहिए? वो कल वो इनका दोनों का कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, किस कैसा समन्वय करेंगे, वो कल ही पता चलेगा। स्वाभाविक प्रश्न है जब 8 लाख से
नीचे की आमदनी को हम बिलो पॉवर्टी लाइन मानते हैं, गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं, तो गरीबों के ऊपर तो इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो 8 लाख तक की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछा जा रहा है और सबकी नज़र बजट के ऊपर होगी जब इनकम टैक्स की सीमा निर्धारित समय करते समय सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि 8 लाख तक इनकम पाने वाले लोग उसको कोई टैक्स ना लगे। नहीं, मुझे लगता है कल बजट आ रहा है, जन भावनाओं का सम्मान सरकार सदैव करती रही है, तो मुझे लगता है कल का इंतजार करना चाहिए। जो 10% जो आरक्षण दिया है अपर कास्ट लोगों के लिए और जो 8 लाख का जिनका इनकम है उनके लिए आरक्षण दिया है, तो हम मानते हैं जिनका इनकम 8 लाख तक है वो गरीब है, वो गरीब है, तो इनकम टैक्स की मर्यादा जो है एबुलेंस की 8 लाख होनी चाहिए। 8 लाख वाला जिनका इनकम है उनको इनकम टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। वही हमारी मांग शिवसेना की, पहली देश में मांग शिवसेना ने की है। हमारे पक्ष प्रमुख, जब हमारा एक मेला होता था 13 जनवरी को, उसी दिन हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने ऐलान किया है कि अगर रिजर्वेशन 10% का आपने मर्यादा आय की रखी है 10 लाख, तो फिर सभी के लिए देशवासियों को क्यों नहीं, क्योंकि अंग्रेज का अगर उनका आय 8 लाख है तो उनको सभी को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, ये तो मांग की है। अब गरीबों की मतलब गरीबी दूर करने के लिए होना चाहिए, पर ये करेक्शन है सरकार की, उन्हें एक कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, वो पूरा नहीं कर पाएगा। देखिए, ये चुनावी मोड पर हैं और चुनावी मोड पे ये कुछ भी कर सकते हैं। अब जेटली साहब सबसे पहले तो आंशिक बजट आता है वो पूर्ण बजट लेके आ रहे हैं, ये भी गलत है, और हम सबको उम्मीद है कि मे भी लॉलीपॉप देने के लिए वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मतलब होना ही तो चाहिए, क्योंकि 8 लाख अगर उनकी जो लक्ष्मण रेखा अगर 8 लाख हो तो हिंदुस्तान में आप कहते हैं कि जो पॉवर्टी का जो क्राइटेरिया क्या होते हैं, पॉवर्टी के क्राइटेरिया में जो आता है उसको आप आगे निकल के 8 लाख की बात कर रहे हैं, तो अगर 8 लाख एक आदमी के लिए मतलब पिछले वर्ग होता है तो हमारा टैक्स कैप भी उतना बढ़ाना चाहिए। बजट कल पेश होने वाला है, उससे उम्मीदें भी हजार हैं। अब 8 लाख रुपए कमाने वाला आरक्षण की सीमा में आता है, तो ऐसे में पूरे देश में अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा और 8 लाख रुपए से कम कमाने वाले से आखिरकार टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। हर किसी को यह उम्मीद है कि इस बजट में सरकार आयकर छूट की सीमा में जरूर कोई बड़ा फैसला लेगी। आइए आपको दिखाते हैं कल आने वाले बजट से आपके सांसदों को क्या उम्मीदें हैं। बजट से क्या अपेक्षाएं? देखिए, बजट पहले से मैंने कहा कि हर वक्त का ध्यान रखकर ही बनाया जाता है, और पिछले बजट को भी देखें, पिछले 4 साल के बजट को भी देखें, तो क्योंकि आप जब इस बजट की बात आती है तो कहीं ना कहीं चर्चा ये आती है कि चुनावी बजट है ये है, मगर पिछले 4 बजट भी हमने जनता को मद्देनजर उनकी समस्या को समझाया और समस्याओं को समाधान के रूप में ही बजट को रखा है, और हमें आशा अनुरूप पूरी आशा है कि ये जो बजट आएगा वो सभी देश की समस्याओं से समझकर और उनको समाधान के रूप में ही ये बजट आएगा और ऐसी जनता की आशाओं के अनुरूप होगा, यह तय है। देखिए, अपेक्षाएं तो हैं, खासकर जो गरीब लोग हैं, किसान अपनी परेशानी से पीड़ित है, तो किसानों को उनकी समस्याओं से बाहर करने के लिए जिस तरह से कई राज्यों की सरकारों ने कर्ज माफी की बात की है, तो उस तरह से राहत की कोई बात किसानों के लिए होनी चाहिए, और खास करके पिछड़ा जो राज्य है जिसमें बिहार भी आता है, तो बिहार के साथ जो हकमारी हो रही है, दिख भी रहा है पिछड़ापन बिहार का, तो पिछड़ापन बिहार का समाप्त हो, ऐसे राज्यों का पिछड़ापन समाप्त हो, इस दृष्टि से विशेष फोकस बजट में होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आने वाला बजट देश के उस आम आदमी, गरीबों को, नौकरी पेशा लोगों की महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा, इसमें मुझे कोई दोराई नहीं। तो देखिए, बजट में क्या आना है किसी को नहीं पता होता है, न पता होना चाहिए,
ये सीक्रेट बात है, लेकिन हम चाहेंगे सरकार से कि किसानों के लिए कुछ किया जाए, रोजगार के लिए किया जाना चाहिए, इसके ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी कुछ आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। दो तीन क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा जोर देने के, एम्फेसिस करने की जरूरत है, यही हम चाहेंगे कि बजट। आपने देश के संसद का मिजाज जाना, तो अब आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड के सितारों के पास और उनसे जानते हैं कि इस बार बजट में वो क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, पर ये इंडस्ट्री नहीं है और सालों साल लोगों ने ट्राई किया है। जैसे यूपी में एक संसद बोर्ड है फिल्म विकास का, हम चाहते हैं कि हर जगह इस तरह के बोर्ड्स बने और फिल्म इंडस्ट्री को एक 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 प्रेस्टीजियस मायने दिया जाए। सब लोग, हमें लगता है जैसे एक तालाब है, सब लोग आके नहा के गंदा करके चले जाते, गाली देके जाते हैं, पर हमारी जो, हमारा जो तालाब है उसकी सुरक्षा के लिए हमारी सोशल सिक्योरिटीज हो, हमारी हमारे टाइमिंग्स हो, हमारे मतलब लेबर लॉज हमारे साथ लागू हो, हमारी बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग सिर्फ भांड लोग नहीं है ना, सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब देखिए हम लोगों को एंटरटेनमेंट को लास्ट टाइम क्या रखा था, एक जैसे जुआ और उस कैटेगरी में हमें रखा गया था। हम लोग वो लोग नहीं है, हम लोग साफ सुथरे चीज समाज को देना चाहते हैं अपने काम से। सो वी आर नॉट, वी कैन नॉट बी इक्वेटेड टू गैम्बलिंग। हमारा जो स्टेटस है इन द लॉ बुक्स इज इक्वल टू गैम्बलिंग। तो हम चाह रहे हैं कि हमको इंडस्ट्री को स्टेटस दिया जाए, फिल्म इंडस्ट्री को प्रॉपर स्टेटस एज एन इंडस्ट्री दिया जाए, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें फाइन ट्यून हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी जो बजट जो भी बना हुआ है, हम जैसे लोगों को तो पर्सनली आए बिलासे कि हमको तो हर चीज की अब आदत पड़ चुकी है, मगर हमारे लिए खुशहाली होती है अगर कुछ चीजें देखकर कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती तो हमको अच्छा लगता है। हम अगर एक चीज को देखें, अगर महंगी हो गई मगर बाकी 25 चीजें कम हो गई है, सस्ती हो गई है, हम अगर उस पर भी ध्यान दे दें तो हमको लगता है कि काफी कुछ अच्छा लगना चाहिए लोगों को। सिर्फ एक ही मुद्दे पर नहीं कि भाई ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, बढ़ गया, मगर बाकी चीजें भी हमारी अगर सस्ती होती जा रही है। बाकी रहा इंसान की नीड का, वो तो कभी खत्म होता नहीं है भैया। आज 50,000 चाहिए, हो गया अब 70 पे आ जाओ, और जो होना भी चाहिए। हमारे दादाजी कहा करते थे कि जिस दिन आपकी चाहते खत्म हो जाए उस दिन समझो आप यू आर डेड। तो सितारों का भी मिजाज आपने जाना, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि आखिरकार देश में गरीबी का लेवल क्या है, किस तरीके से जो समस्या है देश में वो बढ़ी है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है, महंगाई कितनी बढ़ी है। सामान के हिसाब से आप देखिए, यूपीए की सरकार जब गई थी अप्रैल 2014 में, उसके बाद एनडीए सरकार जनवरी 2019 में, तो फासला क्या है। अगर आप आटे की कीमत देखें तब 21 रुपए प्रति किलो ये रेट था, अब 27 रुपए प्रति किलो है। चीनी को आप देखिए 37 रुपए प्रति किलो था और इस वक्त जो है वो 39 रुपए प्रति किलो है। इसी तरीके से सरसों के तेल में जो अंतर है वो आप देख सकते हैं, और नमक के रेट में जो अंतर है वो आप देख सकते हैं, तब 70 रुपए प्रति किलो नमक था।